नमस्कार प्यारे बच्चों, आदरणीय शिक्षक बंधुओं, आज रसायन शास्त्र की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं रत्ना वाधवानी फिर से आज आपके साथ हूँ। अभी हम दो दिन से लगातार प्रायोगिक कार्य में जो जो आपका आयतनात्मक विश्लेषण है उस पर बात कर रहे थे। तो आपने जो प्रायोगिक कार्य अभी अधिकतर कर भी लिए होंगे या आप कर रहे होंगे, क्योंकि फरवरी में आपकी प्रायोगिक की परीक्षा भी है, तो प्रायोगिक कार्यों में हम अभी आयतनात्मक विश्लेषण पे बात कर रहे थे। 5 अंक का आपका आयतनात्मक विश्लेषण आता है जिसके अंतर्गत आपका अनुमापन आता है। तो इन 2 दिनों में जो हमने बातचीत करी उसको पहले मैं संक्षेप में बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम उसको विस्तृत में पढ़ेंगे आगे का जो बचा हुआ है। तो हमने सबसे पहले बात करी कि आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, फिर उसके अंतर्गत हमने अनुमापन की बात करी कि अनुमापन क्या होता है। अनुमापन में हमने पढ़ा कि ज्ञात विलयन की सहायता से हम अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, इस प्रक्रम को अनुमापन कहते हैं। इसमें हमने देखा था जो ज्ञात विलयन है उसे मानक विलयन कहते हैं क्योंकि उसकी सांद्रता ज्ञात रहती है और अज्ञात की सांद्रता ज्ञात की जाती है। इसके बाद हमने अनुमापन देखा था कि कितने प्रकार का होता है, एकपद अनुमापन और द्विपद अनुमापन। सब एक एक नोट करते चलिए आप, क्योंकि ये प्रायोगिक कार्य आपको करने हैं। अभी 25 नंबर का आपका प्रायोगिक कार्य होगा, फरवरी में आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें ये सब चीजें आपके काम आएंगी। तो उसके बाद हमने अनुमापन में देखा था कि अनुमापन कैसे किया जाता है, उद्देश्य कैसे लिखा जाता है और उसमें उपकरण कौन कौन से उपयोग में किए जाते हैं, और उपकरणों के बाद हमने बात करी थी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि 12वीं में जो आपका अनुमापन है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। फिर हमने ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन की बात करी कि इसमें ऑक्सीकरण कौन करेगा, अपचयन कौन करेगा, और चूंकि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं इसीलिए इसे रिडॉक्स अनुमापन भी कहते हैं, ये बात करी हमने। उसके बाद प्रक्रिया करी कि प्रक्रिया कैसे होती है, मानक विलयन कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन से उपकरण उपयोग में आते हैं, और उसके बाद अनुमापन कैसे किया जाता है, अनुमापन में कौन कौन से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, और उन उपकरणों का जब हम उपयोग करें तो किस प्रकार से उनका उपयोग करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें, ये सब बात हमने करी थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि जब हम रीडिंग लेते हैं, प्रेक्षण नोट करते हैं, तो रीडिंग कैसे ली जाए, कितनी रीडिंग ली जाए, कब तक रीडिंग ली जाए और कब रीडिंग लेना बंद करें, और उसके बाद जो हम पाठ्यांक या रीडिंग लेते हैं उसको हम प्रेक्षण तालिका में कैसे नोट करें, ये हमने बात की। उसके बाद हमने गणना की बात की कि गणना कैसे की जाए और उसके बाद रिजल्ट कैसे लिखा जाए और सावधानियां किस प्रकार से लिखी जाए। इसी प्रकार हमने जैसे एक पद अनुमापन में बात की, फिर हमने द्विपद अनुमापन में बात करी। तो एक बार और हम देख लें कि उपकरणों को हम कैसे यूज करते हैं। तो उपकरणों में हमने ब्यूरेट का यूज पढ़ा कि ब्यूरेट को कैसे यूज किया जाता है, पिपेट को कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद मापक फ्लास्क को कैसे यूज किया जाता है, मानक फ्लास्क या स्टैंडर्ड फ्लास्क को कैसे यूज किया जाता है, ये सब चीजें हमने देखी। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि आयतनात्मक विश्लेषण के उपयोग क्या क्या है। स्क्रीन पे आयतनात्मक विश्लेषण के क्या क्या उपयोग है उसको भी अब हमें देखना है, क्योंकि हमने सारी बातें कर ली आयतनात्मक विश्लेषण की। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है, तो अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए, नहीं तो आगे हम इसकी उपयोगिता पर चलेंगे। और आज कुछ मौखिक प्रश्नों की हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रोसेस तो पूरी पढ़ चुके, प्रक्रिया पूरी पढ़ चुके, कैसे हमको गणना करनी है, कैसे हमको रिजल्ट निकालना है, ये सब बात हम कर चुके। आज हम मौखिक प्रश्नों की बात करेंगे। तो एक बार और देख लीजिए आप उपकरणों को। हमने देखा था ब्यूरेट को कैसे लगाते हैं, कैसे ब्यूरेट में भरा जाता है विलयन, ब्यूरेट स्टैंड कैसा होता है, नीचे टाइल क्यों रखते हैं ताकि हमें रीडिंग जो है अच्छे से समझ में आए, और अनुमापन कैसे किया जाता है, ब्यूरेट से बूंद बूंद करके कैसे डाला जाता है। उसके बाद हमने देखा था पाठ्यांक कैसे लिया जाता है, कि आंख को एकदम सीध में रखकर देखना है, न नीचे से देखना है न ऊपर से देखना है। और यहाँ पर हमने एक बात और नोट करी थी कि यदि रंगीन विलयन है, कलर्ड विलयन है, तो उसकी ऊपरी सतह को देखकर पाठ्यांक नोट करना है, और यदि विलयन रंगहीन है, कलरलेस है, तो हमको नीचे की सतह का पाठ्यांक लेना है।
उसके बाद विलयन को कैसे बनाना है, वॉश बॉटल से कैसे धोना है, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि मापक फ्लास्क या मानक फ्लास्क में कैसे विलयन भरा जाए, कैसे निशान तक भरा जाए और मानक विलयन तैयार किया जाए, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो इन सब में अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप अभी प्रश्न पूछिए। बच्चों, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, अपनी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो आपकी समस्या बनी रहेगी, तो प्रायोगिक कार्य आप आसानी से नहीं कर पाएंगे और मौखिक प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो यदि आपके मन में अभी कोई समस्या आ रही है या कोई चीज समझ में नहीं आई है इन दो दिनों में जो हमने पढ़ा, तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई समस्या है तो पूछिए, कोई समस्या है तो। माइक नहीं चल रहा है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो हमने आयतनी विश्लेषण पढ़ा, ये आयतनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो इसके उपयोग क्या है, ये प्रश्न आपसे वायवा में या मौखिक प्रश्नों में पूछ सकते हैं। इसीलिए आप इनको नोट करते हुए चलिए कि आयतनी विश्लेषण का उपयोग क्या है। एक तो उपयोग हमने देखा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, अभी हमने अनुमापन के द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की, तो एक उपयोग इसका हो गया अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। आप नोट करते चलिए, क्योंकि अगर मौखिक प्रश्न में पूछा गया आपसे कि आयतनी विश्लेषण का उपयोग जो आपने प्रैक्टिकली किया है, प्रायोगिक रूप से किया है, वो बताइए, तो ये आप प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से कर चुके हो, तो आप वहां पर बताओगे अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। दूसरा है आपका तुल्यांकी भार ज्ञात करना, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, आपको ध्यान होगा। आप पूछिए, व्हाट इज वैलेंसी के ऊपर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वैलेंसी क्या है या संयोजकता क्या है। तो संयोजकता आपने ग्यारहवीं में भी पढ़ी है कि संयोग करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है, किसी भी तत्व या यौगिक के संयोग करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है। अब यदि आपको संयोजकता निकालनी है तो संयोजकता का उपयोग यहाँ पर जब आप आयतनात्मक विश्लेषण करते हो तो यहाँ पर संयोजकता का कहाँ उपयोग होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर संयोजकता का उपयोग होगा तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि संयोजकता यहाँ पर जब आपको उपयोग में आएगी तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने में आएगी। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता, क्योंकि संयोजकता निकालना आप ज्ञानी में ही पढ़ चुके हो, पर यहाँ पर आप उसका उपयोग कैसे करोगे, तो आप ये फॉर्मूला नोट करिए कि तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। अब संयोजकता आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है किसका, H2SO4 का, मान लो आपसे कहा जाए कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, तो तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करोगे, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। पहले इसका अणुभार ज्ञात करो, अणुभार ज्ञात करना आपने पहले भी सीखा है कि इस पूरे यौगिक में जितने परमाणु हैं सबके भार को जोड़ दो तो इसका अणुभार आ जाएगा। जैसे आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है एक, तो दो का हो गया दो, तो एक इंटू दो, प्लस यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का भार होता है 32, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के चार परमाणु है, एक का भार होता है 16, तो 16 में आप 4 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 64 या 64। अब इन सबको आप जोड़ दो तो 4 और 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, तो आपका H2SO4 का अणुभार कितना आ गया 98। तो H2SO4 का आपका अणुभार आ गया 98। अब आपको देखना है H2SO4 में संयोजकता कितनी है। अब यहाँ पर H2SO4 एक यौगिक है, यौगिक की जब संयोजकता निकाली जाती है तो पूरे यौगिक की संयोजकता जो होती है शून्य होती है, क्योंकि यौगिक उदासीन होता है,
परंतु योगिक के अंदर धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। तो जितने धनायन होंगे या जितने ऋणायन होंगे वह उसकी संयोजकता। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन के दो धनायन है, दो है ना हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन के ऊपर एक धन, मतलब दो के ऊपर कितने धन, दो। ऐसे ही SO4 को अगर आप देखो तो SO4 के ऊपर दो ऋणायन होते हैं, इसका मतलब SO4 की संयोजकता भी दो। तो SO4 जो है आपका ऋणायन है, इसकी संयोजकता दो, और हाइड्रोजन जो है आपका धनायन है, इसकी संयोजकता दो। परंतु यदि हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखें, ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता दोनों में अंतर है। संयोजकता को जब हम चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं तो वह हो जाती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग सोचते हो दोनों एक ही बात है, जबकि दोनों एक ही बात नहीं है। संयोजकता संयोग करने की शक्ति, और संयोजकता को जब चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो वह हो जाती है ऑक्सीकरण अवस्था। यदि इसी के ऊपर धनावेश है तो उसकी संयोजकता में वो धनावेश अगर आप लगा दोगे तो वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन के ऊपर एक धनावेश, दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर दो धनावेश, तो यहाँ पर जितना धनायन है ये आपका पोर्शन जो है धनायन है H2 वाला, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई प्लस टू। और SO4 जो है उसके ऊपर आप देखिए दो ऋणायन लगे रहते हैं, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई माइनस टू। तो पूरे यौगिक को जब आप देखोगे तो प्लस टू और माइनस टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पूरे यौगिक की जो है ऑक्सीकरण अवस्था शून्य आएगी। इसीलिए यौगिक जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि वह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका होता है, फिर वह आगे क्रिया में भाग नहीं लेता। परंतु जब आप यहाँ पर संयोजकता की बात करोगे तो ये चिन्ह अगर हटा दिए आपने तो यहाँ पर H2SO4 की संयोजकता कितनी आई, दो। तो यहाँ पर यदि तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, तो 98/2, क्योंकि इसमें संयोग कैसे किया है तत्वों ने, दो दो के द्वारा किया है, दो धनायन ने दो ऋणायन से संयोग किया है, तो संयोग करने की शक्ति कितनी है, दो है। संयोजकता के आगे आपको चिन्ह नहीं लगाना है, यदि संयोजकता के आगे आपने चिन्ह लगा दिया तो फिर वह संयोजकता नहीं रहेगी, फिर वह ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। तो आपने लिख दी इसकी संयोजकता दो, तो 98 में जब आप दो का भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 49, तो आपका H2SO4 का तुल्यांकी भार आ जाएगा 49। तो जब भी आपको तुल्यांकी भार निकालना हो तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, इस तरह से आप जो है संयोजकता भी निकाल, उल्टा अगर आपको अगर इसका उल्टा करना है, संयोजकता निकालनी है तो आप संयोजकता को ऊपर ले जाओगे, तुल्यांकी भार नीचे आ जाएगा, तो आपकी संयोजकता निकल आएगी। आप चाहे तो करके देखिए, यदि आपको संयोजकता निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर दीजिए, संयोजकता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अभी आपने अणुभार निकाला H2SO4, उसी का एग्जांपल लेकर हम चलते हैं, तो आपने निकाला 98 और तुल्यांकी भार निकाला 49, तो आपकी संयोजकता कितनी आ गई, दो। तो आप इसी फॉर्मूले से यदि आपको अणुभार और तुल्यांकी भार पता हो तो संयोजकता निकाल सकते हो। वैसे यदि आपको संयोजकता की साधारण परिभाषा देनी है तो साधारण परिभाषा यही है कि किसी भी तत्व के संयोग करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है। या यदि आप उधर जब आपने संयोजकता पढ़ी थी, विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, अगर उसके सापेक्ष आपको इसकी परिभाषा देनी है तो आप कह सकते हो कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो वह संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, जो परिभाषा आपने 11वीं में पढ़े आए थे। अगर उसके आधार पर आपको संयोजकता निकालनी है तो आप तत्वों की संयोजकता भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका सोडियम का उदाहरण है, सोडियम को यदि आप देखो तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सोडियम का जब संयोग कराया जाता है तो सोडियम संयोग करता है क्लोरीन के साथ। यदि आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 7
खतरा रहता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक इसकी भारतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। देखिए, यदि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब सोडियम के पास रह जाएगा 2 और 8 और क्लोरीन के पास हो जाएगा 2 8 8। इन दोनों की भारतम कक्षा को अगर हम देखें तो दोनों की भारतम कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। ये चीज तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कोई भी तत्व जो है तब तक क्रिया करता जाता है जब तक कि उसका भारतम अष्टक पूरा न हो जाए, अर्थात उसकी भारतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। जब 8 हो जाते हैं तो फिर वह क्रिया करना बंद कर देता है। तो सोडियम के पास भी जब तक भारतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक वह क्रिया करता रहेगा। ऐसे ही क्लोरीन की भारतम कक्षा में भी जब तक 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाएंगे तब तक वो क्रिया करता रहेगा, इसीलिए क्रिया करते हैं। यदि इनकी भारतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके बाद ये क्रिया करना बंद कर देंगे और यही जो इनकी संयोग करने की शक्ति है वही इनकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो अब ये जो बाहर वाली इसकी कक्षा थी वो समाप्त हो गई। अब जो दूसरी कक्षा है वो इसकी बाहर वाली कक्षा हो गई और इसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने क्या किया कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, इसीलिए सोडियम की संयोजकता कितनी हुई, 1। और क्लोरीन ने क्या किया, अपना भारतम कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसीलिए इसकी संयोजकता हुई 1। तो इस तरह से भी आप संयोजकता निकाल सकते हो कि कोई भी तत्व अपनी भारतम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या साझा करता है। अब साझे का आप देखो उदाहरण, जैसे आप क्लोरीन का उदाहरण ले लो, आपके पास क्लोरीन के 2 परमाणु है, 1 परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7, दूसरा परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन है 2 8 7। अब आप देखो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेंगे। ऊपर आपने देखा सोडियम और क्लोरीन जब संयोग करते हैं तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा, तो वहां पर ये आदान प्रदान करते हैं। परंतु जब 2 क्लोरीन आपस में संयोग करेंगे, 2 क्लोरीन के परमाणु, तो ये आदान प्रदान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका अष्टक तो पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, परंतु इसके पास तो 6 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके लिए तो अष्टक पूरा हुआ ही नहीं। तो संयोजकता तभी होगी जब दोनों को फायदा होगा, दोनों का अष्टक पूरा होगा। तो ये क्या करते हैं, दोनों बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं, दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए कि आप 2 मित्र हैं, 2 दोस्त हैं, अब दोनों को एक पुस्तक खरीदनी है। मान लो वह पुस्तक 20 रुपए की आती है, 1 मित्र के पास है 10 रुपए, दूसरे मित्र के पास है 10 रुपए। यदि 1 मित्र दूसरे को 10 रुपए दे देता है तो दूसरे के पास तो 20 रुपए हो जाएंगे, वो पुस्तक खरीद लेगा, पर पहला अगर अपने 10 रुपए दे देगा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, वह तो पुस्तक का लाभ नहीं उठा सकता। परंतु यदि दोनों साझेदारी करें कि 10 रुपए ये निकाल ले और 10 रुपए ये निकाल ले, 20 रुपए की ये साझेदारी कर दे और दोनों मिलकर उस पुस्तक को या बुक को खरीद ले और उसके बाद दोनों उसका उपयोग करें, तो साझेदारी में दोनों को फायदा होगा। तो यही चीज जो है तत्वों के ऊपर भी लागू होती है। जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। देखिए कैसे करते हैं साझेदारी, ये क्लोरीन है, इसकी भारतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा है। अब ये दूसरा क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसने बीच में रखा, ये इलेक्ट्रॉन रखा बीच में, अब इसने कहा कि ये साझे के इलेक्ट्रॉन का उपयोग मैं भी करूंगा, तो आप देखिए इसके पास 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, अब इसका उपयोग ये भी कर रहा है, तो इसके पास भी देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की
साझेदारी करी और साझेदारी के बाद दोनों का स्टेप पूरा हो गया। इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए और इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए। तो संयोजकता में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी हो सकती है। सिर्फ आपस में इनको संयोग करना है और संयोग करने की शक्ति कहलाती है संयोजकता। अब ये संयोग इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से भी हो सकता है और ये संयोग इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से भी हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था वह उसकी संयोजकता, और यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी वह उसकी संयोजकता। यहाँ क्लोरीन ने एक की साझेदारी करी तो इसकी संयोजकता एक, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो इसकी संयोजकता एक। तो इस तरह से जो है हम संयोजकता को निकाल सकते हैं। और संयोजकता की आप जब साधारण परिभाषा दोगे तो यही दोगे कि किसी भी तत्व के संयोग करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है। और निकालोगे आप कैसे, आप निकालोगे इस तरह से कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार से आप संयोजकता को समझा सकते हैं। अब अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं संयोजकता के बारे में, अगर नहीं समझ में आया है या कोई और चीज नहीं समझ में आई है तो आप अपने प्रश्न पूछकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पूछिए और कोई प्रश्न जो समझ में नहीं आया हो, पूछिए बच्चों। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। प्रश्न पूछिए, अभी आपने प्रश्न पूछा था कि संयोजकता क्या है, आ गया समझ में? यदि समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चले। चलिए आगे देखिए, हम आयतनहीन विश्लेषण के उपयोग देख रहे थे। एक तो अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, उसके बाद तुल्यांक की भार ज्ञात करना, उसके बाद मिश्रण की प्रतिशत रचना ज्ञात करना। जब हमें तुल्यांक की भार ज्ञात हो जाएगा तो हम परसेंटेज अणुभार निकालेंगे उससे, और अणुभार से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कौन सा तत्व कितना प्रतिशत है, कार्बन कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है और भी जो तत्व पाए जाते हैं वह कितने प्रतिशत है। और हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाएगी तो हम क्रियात्मक समूह की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अब हम तुल्यांकी भार की बात करें तो तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार यदि तत्व का निकालना है तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। और अभी जो मैंने आपको तुल्यांकी भार बताया था वो यौगिक का बताया था, क्योंकि वहां पर हमने जो उदाहरण लिया था H2SO4 का लिया था, H2SO4 एक यौगिक है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा अणु भार बटे संयोजकता, क्योंकि यौगिक में बहुत सारे परमाणु रहते हैं, सबका भार जब हम जोड़ देंगे तो वह अणु भार हो जाएगा। तो वहां पर यौगिक का लिया था हमने तुल्यांकी भार, इसीलिए परमाणु भार की जगह हमने क्या लिया था, अणु भार। यदि हम तत्व का लेंगे तो तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परमाणु भार बटे संयोजकता। ऐसे ही यदि अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो अम्ल का अणु भार, जैसे हमने H2SO4 का निकाला बटे अम्ल की क्षारकता, तो हमने अम्ल की क्षारकता निकाली ना H2SO4 में, हमने देखा कि SO4 जो है कितने एच आयनों से जुड़ा है, दो एच आयनों से जुड़ा था, तो हमने संयोजकता की जगह उसकी क्षारकता को भी लिख सकते हैं। तो अम्ल की यदि आपको क्षारकता निकालनी हो तो अम्ल की क्षारकता निकालने के लिए आप देखोगे कि ऋणायन जो है कितने हाइड्रोजन आयनों से जुड़ा है, जितने हाइड्रोजन आयनों से जुड़ा है वह हो जाएगी अम्ल की क्षारकता। तो इस तरह से आप अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हो। आप जो इतनी चीजें अभी आपने पढ़ ली उनमें अगर कोई समस्या आ रही हो तो पूछिए, आप पूछिए उसमें कोई समस्या आ रही है तो, कोई भी समस्या आ रही है तो बच्चों पूछिए, क्योंकि मौखिक प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे,
आपसे कहा जाएगा कि H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाल के बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, तो आप इस तरह से H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो, लिख सकते हो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। आपने अणुभार लिख दिया, संयोजकता लिख दी और आपने तुल्यांकी भार निकाल कर दिखा दिया। तो इस तरह से अगर कोई और प्रश्न आ रहा हो दिमाग में तो पूछिए आप, या जो चीज मैंने समझाई उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। बच्चों पूछिए और नोट करते चलिए, ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं उन फॉर्मूलों को नोट करते चलिए कि तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। नोट कर लीजिए इनको, क्योंकि ये फॉर्मूले भी आपसे मौखिक प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। शिक्षक बंधुओं, आदरणीय शिक्षक बंधुओं, बच्चों को प्रेरित करिए कि यदि कोई समस्या आ रही है तो पूछते चले, पूछिए पूछिए, कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, अपना माइक ऑन करिए और पूछिए। चलिए इसके बाद देखिए ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो, ये जो आप अनुमापन कर रहे हो उसमें एक ऑक्सीकारक पदार्थ ले रहे हो और एक अपचायक पदार्थ ले रहे हो। तो यदि आपके पास ऑक्सीकारक पदार्थ है तो उसका तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने जो आपको टाइट्रेशन बताई थी, जो टाइट्रेशन या अनुमापन आप करते हो उसमें केमेनोफोर लेते हो, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो ऑक्सीकारक के रूप में, तो यहाँ पर उदाहरण भी हमने केमेनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट का लिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार होता क्या है, तो पदार्थ का वह भार जो रासायनिक रूप से 8 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्योंकि ऑक्सीजन जो रहती है वो उसका जो है संकेत आपने पढ़ा है 8, इसीलिए यहाँ पर हमने लिया है 8 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर। अब यदि हमको केमेनोफोर जो ऑक्सीकारक है उसका अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि केमेनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। आपने नोट भी किया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है, अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी और उदासीन माध्यम में भी, परंतु अम्लीय माध्यम में इसकी तीव्रता अधिक रहती है। कैसे रहती है वो देखिए, आप एग्जांपल देखिए, आप रिएक्शन जब कराते हैं आपने लिखा 2KMNO4 प्लस 3H2SO4, क्योंकि हम क्या करते हैं माध्यम अम्लीय बनाने के लिए हमने जब अनुमापन किया था तो जब ऑक्सैलिक अम्ल आपने खींच कर पिपेट से लिया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम थोड़ा सा तनु H2SO4 डाल देते हैं ताकि माध्यम कैसा हो जाए, अम्लीय हो जाए। और उसके बाद हमने क्या किया था, ब्यूरेट से बूंद बूंद करके KMNO4 इसमें हम मिलाते गए थे जब तक कि क्रिया समाप्त न हो जाए, और क्रिया समाप्ति की घोषणा स्वयं KMNO4 ने की थी, क्योंकि यहाँ पर KMNO4 या पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक का काम करता है, और जब उसने हल्का गुलाबी रंग दे दिया तो हमें पता चल गया कि अब क्रिया समाप्त हो गई है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, पहले ये KMNO4 H2SO4 से क्रिया करेगा, बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। यहाँ पर ये क्या करता है, 5 परमाणु आपके ऑक्सीजन के देता है। यहाँ ऑक्सीजन आपको परमाणविक रूप में मिलती है, इसीलिए इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये जो आपकी ऑक्सीजन है इसको क्या कहा जाता है, नवजात ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर आप देखो आपको जो 5O मिल रहा है यह O परमाणु के रूप में है, इसीलिए इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसको नोट करते चलिए, ये रिएक्शन जो है आपसे वाइवा में भी पूछी जा सकती है कि KMNO4 अम्लीय माध्यम में जब क्रिया करता है तो रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन आप नोट करिए, 2KMNO4 प्लस 3H2SO4 इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ये 5O क्या है, नवजात ऑक्सीजन।
अब आप यहाँ पर देखो, हमने KMnO4 का अणुभार निकाला है। देखिए जब हमने इसको बैलेंस किया, क्योंकि कोई भी समीकरण जब उपयोग में लाया जाता है तो उसे संतुलित किया जाता है, और कोई भी समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, या पहले भी 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, एक नियम आपने पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने पढ़ा है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप जो रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर आपने अभिकारक लिए हैं और इन अभिकारकों ने यहाँ पर क्या बनाए हैं, क्रियाफल बनाए हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, और अभिकारक जब क्रियाफल में बदलते हैं तो यहाँ पर जो क्रियाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ पर हम जितने अणु या परमाणुओं की संख्या लेंगे, वही के वही सारे वहाँ पर हमें मिल जाने चाहिए, क्योंकि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता। यहाँ पर आप देखिए, पोटेशियम आपने 2 लिया है, तो इसको आप बैलेंस करोगे, यहाँ पर भी पोटेशियम आपको 2 मिलना चाहिए, मिला है 2, K2 है, 2 मिला है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, आपने Mn यहाँ पर 2 लिया है, तो यहाँ पर भी Mn आपको कितना मिला है, 2 मिला है। तो जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको संतुलित अवश्य कर लेते हैं, यदि हम संतुलित नहीं करेंगे तो वह हमारी रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पदार्थ जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो पहले हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे, और संतुलित करने के पश्चात हम क्या करेंगे कि उसका निकालेंगे अणुभार। अब जब हमने इसको संतुलित किया, तो संतुलित करने के पश्चात हमने क्या देखा कि KMnO4 के आगे 2 लग गया, तो हम 2 से इस पूरे को गुणा करेंगे। K का अगर बाहर देखें, पोटेशियम का 39, Mn का 55, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 या 16, तो 16 में यदि हम 4 का गुणा करें तो 64 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 64, 55 और 39, तीनों को हम प्लस करेंगे तो 158 आएगा, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा पूरा जो KMnO4 है उसकी मात्रा आ जाएगी। अब इतना जो KMnO4 है, ये ऑक्सीकारक है, तो ये ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, 5 परमाणु उत्पन्न कर रहा है ना, एक परमाणु का भार है 16, तो 16 × 5। तो ऑक्सीकारक, हमने पहले भी आपको बताया कि ऑक्सीकारक पदार्थ वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये ऑक्सीकृत कैसे करेगा, ऑक्सीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण में होता क्या है। ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो यदि ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए, अभी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो ये ऑक्सीजन देता है ऑक्सीकारक। तो इस ऑक्सीजन को कौन देता है, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 के 2 अणु जो है H2SO4 के साथ क्रिया करके कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, 5 परमाणविक ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे, हमने देखा कि 16 × 5 = 80 कि 80 ग्राम ऑक्सीजन कौन दे रहा है, आपने KMnO4 का अणुभार निकाला 158 और जब बैलेंस किया तो आगे 2 लगा था, तो 2 से गुणा किया तो आपका आ गया 316 ग्राम KMnO4। तो 316 ग्राम KMnO4 आपको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, 80 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार पदार्थ का वह भार है जो रासायनिक रूप से 8 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर है, तो हमको 80 ग्राम को बदलना है 8 में। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन जो है आपको दे रहा है कितना, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, 316 ग्राम KMnO4 से। तो 8 ग्राम किससे प्राप्त होगा, 316 में आप
80 का भाग दोगे इंटू 8 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 31.6 ग्राम। तो अम्लीय माध्यम में इसीलिए के मेनोफोर का तुल्यांकी भार कितना हुआ 31.6 ग्राम। आपको याद होगा जब पहले दिन मैंने आपको एक पद अनुमापन बताया था तो वहां पर हमने अज्ञात ऑक्सीकारक के रूप में केमेनोफोर लिया था और उसकी जब हमने सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकाली थी तो मैंने आपसे कहा था कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। तो वहां पर हमने गणना के द्वारा नॉर्मलता तो निकाल दी थी, फिर तुल्यांकी भार में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आप तुल्यांकी भार की जगह इसका मान 31.6 ग्राम रखो क्योंकि अम्लीय माध्यम में केमेनोफोर का तुल्यांकी भार 31.6 ग्राम होता है। तो ये कैसे होता है इसको आज मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया क्योंकि वायवा में आपसे पूछा जा सकता है मौखिक प्रश्न में कि आपको कैसे पता कि अम्लीय माध्यम में केमेनोफोर का तुल्यांकी भार 31.6 ग्राम होता है। तो ये मौखिक प्रश्न की आपकी तैयारी हो गई। इस तरह से आप निकाल कर बता सकते हो कि अम्लीय माध्यम में केमेनोफोर का तुल्यांकी भार कैसे आया 31.6 ग्राम। आप चाहो तो एक बार और समझ लो इसको। यदि ऑक्सीकारक पदार्थ का आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो उसकी परिभाषा ये है कि पदार्थ का, चाहो तो आप नोट कर लो क्योंकि नोट कर लोगे तो फिर आप एक बार रिवाइज करोगे तो उसी को पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा। पदार्थ का वह भार जो रासायनिक रूप से 8 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है केमेनोफोर का और चूंकि हमने इस अनुमापन में माध्यम रखा था अम्लीय और आपने देखा था कि केमेनोफोर से जब हमने अनुमापन कराया था तो ऑक्सैलिक अम्ल में हमने थोड़ा सा तनु H2SO4 डाल दिया था। तो केमेनोफोर पहले तनु H2SO4 से क्रिया करेगा और आपका बनाएगा K2SO4 रिएक्शन, नोट कर लीजिए, प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीकारक पदार्थ वह होता है जो कि आपको नवजात या परमाणविक ऑक्सीजन देता है ताकि ऑक्सीकरण की क्रिया हो सके क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है और ऑक्सीकारक जो है वह ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है क्योंकि ऑक्सीकारक का काम ही ये रहता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया कराना। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया कराता है और खुद अपचयित हो जाता है क्योंकि यह दूसरे को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और जब किसी में से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन। तो इसका खुद का तो अपचयन हो जाता है पर वह दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है ताकि उसका ऑक्सीकरण हो जाए। तो यहाँ पर भी केमेनोफोर जो है 5 परमाणविक ऑक्सीजन दे रहा है। तो अब हम देखेंगे कि केमेनोफोर का हमने अणुभार निकाला क्योंकि 2 से संतुलित हुआ था तो 2 से गुणा करके हमने इसका भार निकाल लिया 316 ग्राम और उसके बाद हमने देखा 5 आपको परमाणविक ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है तो 16 × 5 = 80। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन आपको किसने दी, 316 ग्राम केमेनोफोर ने। परंतु आपको पदार्थ का वह भार निकालना है जो रासायनिक रूप से 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो 80 ग्राम को हमें चेंज करना है 8 ग्राम में। तो 80 ग्राम उनको मिल रहा है 316 ग्राम केमेनोफोर से तो 8 ग्राम किससे मिलेगा, 316/80 × 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 31.6 ग्राम और यही किसका तुल्यांकी भार होगा, केमेनोफोर का तुल्यांकी भार। तो इस तरह से आप ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो पूछिए पूछिए बच्चों पूछिए क्योंकि आपको मौखिक प्रश्न में अगर निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप इस तरह से फटाफट गणना के द्वारा निकाल सकते हैं क्योंकि आपके कोर्स में भी डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, वहां पर KMnO4 आप पढ़ते हो, वहां पर ये रिएक्शन भी आपके काम आएगी। आप डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ते हो ना, वहां पर आपका KMnO4 है, उसको बनाने की विधियां, उसके रासायनिक गुण है, तो आपके थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो थ्योरी में भी आपकी रिएक्शन है कि KMnO4 की अम्लीय माध्यम में क्रिया, तो वहां पर भी आप इसको समझा सकते हो।
तो अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है या कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम। पूछिए बच्चों, शिक्षक बंधु प्रेरित करिए बच्चों को कि यदि कोई समस्या आ रही है तो पूछते चले, क्योंकि अब साथ के साथ आपको परीक्षा की भी तैयारी करनी है। पूछिए, नहीं तो फिर हम औपचारिक का तुल्यांक की बार देखेंगे। जैसे औपचारिक कारक का देखा, ऐसे ही हम किसका तुल्यांक की बार देखेंगे, औपचारिक का। आप इसको नोट करते चलिए। अब अगर हम देखें औपचारिक का तुल्यांकी भार, अब औपचारिक का तुल्यांकी भार, अब आपके कोर्स में दो टाइट्रेशन है, एक पैरासमोनियम सल्फेट वाली, एक ऑक्सैलिक अम्ल वाली। ऑक्सैलिक अम्ल वाली का वहां हमने एग्जांपल ले लिया, अब हम ले लेते हैं पैरासमोनियम सल्फेट वाली का एग्जांपल, ताकि आपके दोनों तैयारी हो जाए। तो आपके अनुमापन में दो प्रकार के अनुमापन है, एक तो KMnO4 का ऑक्सैलिक अम्ल के साथ, जहां पर KMnO4 ऑक्सीकारक है और ऑक्सैलिक अम्ल अपचायक है, और दूसरा है KMnO4 का मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ अनुमापन, जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट जो है आपका अपचायक का काम करता है। अब यहाँ पर जो हम लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, वास्तव में यहाँ पर जो अपचयन होता है वो फेरस का फेरिक में होता है, पूरे का नहीं होता, परंतु जब हम उपयोग में लाते हैं तो फेरस अमोनियम सल्फेट लाते हैं, हम सिर्फ फेरस को नहीं लेते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे मौखिक प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जब हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट, या जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है मोहर लवण, ये जो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, मोहर लवण। तो जब हम मोहर लवण और पोटेशियम परमैंगनेट का अनुमापन कराते हैं, तो इस अनुमापन में अपचायक के रूप में तो फेरस सल्फेट काम करता है, परंतु हम फेरस सल्फेट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। वो इसलिए लेते हैं कि यदि हमने सिर्फ फेरस सल्फेट लिया तो फेरस सल्फेट का विलयन बनाकर और हमने अनुमापन शुरू किया तो फेरस सल्फेट जो है बहुत जल्दी वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अभी हमने KMnO4 डाला ही नहीं, विलयन बना के रखा, और फेरस सल्फेट जो है सीधे वायु से क्रिया करके उसका कुछ भाग फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब हम अनुमापन शुरू करेंगे तो कुछ फेरस सल्फेट तो फेरिक सल्फेट में पहले ही बदल चुका होगा, तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो सही नहीं आएगी। इसीलिए हम फेरस सल्फेट को वायु से ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए सिर्फ फेरस सल्फेट नहीं लेते हैं, उसके बाद उसका डबल सॉल्ट लेते हैं, उसके स्थान पर हम उसका डबल सॉल्ट लेते हैं, उसका द्विक लवण लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट सुरक्षित रहता है, वायु के संपर्क में आने पर उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, और जो हमारे आंकड़े आते हैं, हमारे जो पाठ्यांक आते हैं, वो सही सही प्राप्त होते हैं। इसीलिए कभी भी फेरस सल्फेट का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए KMnO4 यहाँ पर भी अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा, अम्लीय माध्यम में फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है, फेरस अमोनियम सल्फेट में से सिर्फ जो फेरस सल्फेट है वो ऑक्सीकृत होता है फेरिक सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट तो हमने साथ में इसलिए लिया है ताकि आपका फेरस सल्फेट संरक्षित रहे, वायु से उसका ऑक्सीकरण ना हो, क्योंकि जो ऑक्सीकरण होगा सिर्फ फेरस सल्फेट का होगा फेरिक सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, 8H2O बनेगा। ये तो आपकी पूरी फाइनल रिएक्शन है, चाहे तो आप नोट कर दीजिए रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी पूछी जाती है, आपसे कहा जाएगा। अगर आपको फाइनल में प्रैक्टिकल में आपको फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 का अनुमापन आया करने के लिए या तो ऑक्सैलिक अम्ल आ सकता है या फेरस अमोनियम सल्फेट का आ सकता है, तो आपसे मौखिक प्रश्न में पूछा जा सकता है जिसकी आप पूरी रिएक्शन लिख के बताओ कि KMnO4 अम्लीय माध्यम में जब फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो उसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो आप रासायनिक समीकरण अपना नोट कर लीजिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो आप नोट करिए, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, और समीकरण हमेशा संतुलित रूप में नोट करिए, क्योंकि समीकरण जब तक संतुलित नहीं होगा
तब तक आप आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो आप समीकरण लिखिए 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट H2O। ये पूरा जो है आपका, इसको साधारण भाषा में कहते हैं मोहर लवण, मोहर लवण। वैसे ये द्विक लवण है, दो लवण आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फिर आप एरो लगाइए, एरो के बाद लिखिए 5Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये आपका फेरस सल्फेट बदल चुका किसमें, फेरिक अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट वैसे का वैसा रहा, सिर्फ फेरस सल्फेट बदल चुका फेरिक सल्फेट में, तो अब इसका नाम हो जाएगा फेरिक अमोनियम सल्फेट प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O। ये तो आपकी फाइनल रिएक्शन हुई, पर ये रिएक्शन होती कैसे है, अलग अलग स्टेप्स में कैसे होती है? तो सबसे पहले KMnO4 H2SO4 से क्रिया करके K2SO4, MnSO4, 3H2 और 5O बनाता है। जैसे पहले रिएक्शन देखी थी ना अम्लीय माध्यम में, आपको 5 परमाणु दिए थे ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 5 परमाणु दिए हैं ऑक्सीजन के, जिसे आप कहते हो नवजात ऑक्सीजन। परमाणविक ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। इसके बाद आप देखिए क्या होता है, ये जो है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O पेरस अमोनियम सल्फेट, इस नवजात ऑक्सीजन से H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके फेरिक अमोनियम सल्फेट बनाता है प्लस H2O बनाता है। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा करना है, इसको भी इसको भी इसको भी सबको 5 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि 5 जो नवजात ऑक्सीजन है ये दिया है किसने, 10 फेरस अमोनियम सल्फेट ने। ये 10 लिए थे ना, 10 फेरस अमोनियम सल्फेट ने कितना दिया है, 5 परमाणविक ऑक्सीजन। तो वही बात हो गई ना, 5 परमाणविक ऑक्सीजन है, एक का भार है 16, 16 में 5 का गुणा करोगे 16 × 5, 16 × 5 बराबर 80 या 80 हो गया। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन बराबर, अब फेरस अमोनियम सल्फेट का यदि आप अणुभार निकालो तो आता है 392, परंतु जब आपने इसको बैलेंस किया है तो आपने देखा है इसके आगे कितने लगे हैं, 10, तो इसको आप 10 से गुणा करोगे तो 10 × 392 पेरस अमोनियम सल्फेट इसने क्रिया की थी किससे, 5 परमाणविक ऑक्सीजन से। इसको जब 5 परमाणविक ऑक्सीजन मिले थे ना KMnO4 के द्वारा, क्योंकि ये क्या है आपका अपचायक है, अपचायक क्या करेगा, अपचायक यह वह पदार्थ है जो दूसरे का अपचयन कर देता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। खुद ऑक्सीकृत होगा मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से संयोग करेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से संयोग। तो 80 ग्राम संयोग कर रहा है किससे, 10 × 392 से, परंतु हमको तो निकालना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम कितने से करेगा, तो 8 ग्राम कितने से करेगा, तो आप निकालोगे 392 × 10 upon 80 × 8। जब आप इसको निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 392। तो आप देखिए कितना आ गया, 392। तो फेरस अमोनियम सल्फेट कितना आया, 392 फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना आया, 392। वहां पर KMnO4 का हमने निकाला कितना आया, 31.6 ग्राम। तो इस तरह से आप ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार भी निकाल सकते हो और अपचायक का तुल्यांकी भार भी निकाल सकते हो। तो अगर आपसे मौखिक प्रश्नों में पूछा जाए या आपसे तुल्यांकी भार निकालने के लिए कहा जाए, क्योंकि आपके सैद्धांतिक पेपर में, थ्योरी के पेपर में भी आपकी जो यूनिट है डी और एफ ब्लॉक वाली, उसमें आपका
KMnO4 है और KMnO4 की पूरी रिएक्शन से आपकी अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाएं अपचायक के साथ क्रियाएं, तो यहाँ पर FeSO4 अपचायक है तो अपचायक के साथ अभिक्रिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया था पैरास अमोनियम सल्फेट का, ताकि आपका जो सैद्धांतिक का पोर्शन है, थ्योरी का पोर्शन है, वो भी यहाँ पर आपका कवर हो जाए, ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाए, तो ये आपके थ्योरी के पेपर में भी ये आपको सहायता देगी, क्योंकि उस यूनिट में से भी आपके फुल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मौखिक प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और मैं एक एक उदाहरण और देकर बताऊंगी। तो अगर कोई समस्या आ रही है तो पूछिए और नोट करते चलिए, सारी रिएक्शंस नोट करते चलिए, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है आपकी जितनी अभिक्रियाएं हैं ये सब आपके सैद्धांतिक पेपर में काम आएंगी, नोट करिए इसे। कोई है समस्या तो पूछिए, कोई भी समस्या है तो पूछिए, नहीं है कोई समस्या तो आप छोटे छोटे ये फॉर्मूले नोट करिए जो आपके मौखिक प्रश्नों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार क्या होता है तो फॉर्मूले के रूप में बताओ, तो ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे पदार्थ के एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि ऑक्सीकारक वो पदार्थ होता है जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है और खुद अपचयित हो जाता है, खुद अपचयित हो जाता है और अपचयन की क्रिया हमने पढ़ी है, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। तो अगर आपसे ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार का सूत्र पूछा जाए तो सूत्र होगा, नोट करिए सूत्र को, ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे पदार्थ के एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि ऑक्सीकारक हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से यदि अपचायक का तुल्यांकी भार पूछा जाए तो अपचायक वो पदार्थ होता है जो दूसरे को अपचयित करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, चूंकि ये खुद ऑक्सीकृत हो रहा है और ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे पदार्थ के एक अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीकारक में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अपचायक में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे पदार्थ के एक अणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। छोटी छोटी चीजें इस तरह से नोट करते चलिए ताकि आपके मौखिक प्रश्न याद हो जाएं। मैंने बार बार आपको बताया कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ऑक्सीकरण कहलाती है, तो इसको भी शॉर्ट में लिख लो। अगर ऑक्सीकरण की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत शॉर्ट में आप मौखिक प्रश्न का उत्तर इतना दे दोगे, सफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। नोट करते चलिए, ये मौखिक प्रश्नों में काम आएंगे आपके, बार बार जो पूछा जाता है। उसके बाद मानक विलयन, बार बार मैंने आपको बताया है, वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो मानक विलयन कहलाता है, नोट करिए, वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो मानक विलयन कहलाता है। उसके बाद मोलरता पूछी जाती है, मोलरता मोललता नॉर्मलता ये सब सूत्र आपको याद होंगे, चाहे तो एक बार और नोट कर लीजिए, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणु भार और नीचे ही इंटू में विलयन का लीटर में आयतन, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणु भार इंटू ये नीचे का लीटर में आयतन। नोट करिए, ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो आपसे मौखिक प्रश्नों में
पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मोलरता, मोलरता बराबर 1000 या 1000 इंटू विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार और नीचे ही इंटू विलायक का ग्राम में भार। तो इस तरह से ये आप एक जगह नोट करके रखिए, जब आप मौखिक प्रश्नों की तैयारी करेंगे छोटे छोटे ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको मौखिक प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। तो इतने इसमें, यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, कोई समस्या आ रही है तो पूछिए बच्चों, प्रश्न पूछिए, अपनी समस्या का समाधान करिए। चलते हैं शिक्षक बंधुओं, आप बच्चों को प्रेरित करिए, यदि कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, तभी उनकी एग्जाम की तैयारी होती चलेगी। पूछिए बच्चों, समझ में जहां भी नहीं आया हो पूछते चलिए। और फॉर्मूले नोट करिए छोटे छोटे जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं मौखिक प्रश्नों में। नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार। नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे विलेय का तुल्यांक की भार। का फॉर्मूला मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये पूछा जाता है, सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार, बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार। नोट करिए ये छोटे छोटे फॉर्मूले, नोट करिए। नॉर्मल विलयन, एक लीटर विलयन में यदि पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक भार भुला हो तो उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। एक लीटर विलयन में पदार्थ का यदि एक ग्राम तुल्यांक की भार भुला हो तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। मानक विलयन मैंने आपको बताया था, बनाना कैसे बनाना, वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि मानक विलयन कैसे बनाएंगे, एक या दो लाइन में समझाइए, तो पूरी विधि है आपकी। परंतु जब वाइवा पूछते हैं बाह्य परीक्षक तो आपसे पूछेंगे एक या दो लाइन में बताइए कि मानक विलयन कैसे बनाएंगे, तो आप एक या दो लाइन में इसका आंसर बता सकते हो। नोट कर लीजिए कि प्राथमिक जो मानक पदार्थ होते हैं, मानक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं और दूसरे होते हैं द्वितीयक। द्वितीयक का जब हम मानक विलयन बनाते हैं तो उन्हें फिर से हमें एक बार अनुमापन करके चेक करना पड़ता है कि ये सही बने हैं या नहीं, परंतु जो प्राथमिक होते हैं उन्हें हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वे एक्यूरेट रहते हैं, अपने आप में पूर्ण रहते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है प्राथमिक मानक पदार्थ। तो प्राथमिक मानक पदार्थों के जब हम मानक विलयन बनाते हैं तो हम उन्हें सही सही तोलते हैं, मैंने आपको बताया था रासायनिक तुला पर कैसे तोलना है तोल के, और जो दूसरे होते हैं सेकेंडरी वाले गौण पदार्थों के मानक विलयन, उनके मानक विलयन जब हम बनाते हैं तो फिर उनको अनुमापन द्वारा चेक करके बनाया जाता है। ये डिफरेंस है प्राथमिक मानक पदार्थों के मानक विलयन और गौण या सेकेंडरी पदार्थों के मानक विलयन में। प्राथमिक को आप बस सही सही तोलकर और उसको घोलकर मानक विलयन बना सकते हो, परंतु जब द्वितीयक या गौण पदार्थों के बनाने हो तो आपको फिर अनुमापन द्वारा उसे चेक करना पड़ता है कि ये सही बना है या नहीं। अब प्राथमिक मानक पदार्थों के यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाए तो प्राथमिक मानक पदार्थ आपका ऑक्सैलिक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट है, नोट करिए। प्राथमिक मानक पदार्थ आप जो अभी यूज करते हो लैब में, या आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो अनुमापन में आपने प्राथमिक मानक पदार्थ यूज किए हैं उनके एक या दो एग्जाम्पल बताओ, तो एक तो आपने ऑक्सैलिक अम्ल यूज किया, अभी ट्राइट्रेशन में किया ऑक्सैलिक अम्ल, तो एक उदाहरण आप अच्छे से उसका याद कर लो, और एक सोडियम कार्बोनेट ले लो, ये दो जो है प्रयोगशाला में आप अभी 12वीं तक बार बार इनका उपयोग करते हो, तो इन दो के आप एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो। और द्वितीयक या गौण मानक पदार्थ जिनको फिर ट्राइट्रेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है वो आपका केमेनोफोर है। केमेनोफोर का आपने देखा कि हमने तोलकर नहीं बनाया, ऐसे जो विलयन बनाया था अज्ञात के रूप में लिया और उसके बाद फिर उसकी हमने सांद्रता ज्ञात की, तो वो प्राथमिक मानक पदार्थ नहीं है, वो सेकेंडरी या गौण मानक पदार्थ है। तो केमेनोफोर
ऐसे ही H2SO4, ऐसे ही NaOH, ये आपके और मानक पदार्थों के उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके मौखिक प्रश्नों में कोई बाहर से कोई प्रश्न नहीं आते, जो आप करते हो वही पूछे जाते हैं। अच्छा ये आपने किया, इसमें बताओ प्राथमिक मानक पदार्थ क्या है, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मानक विलयन बनाने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र नोट कर लीजिए, W बराबर E इंटू N इंटू V अपॉन 1000। यहाँ पर W आपका भार था, E आपका तुल्यांकी भार था, N नॉर्मलता थी और V आपका आयतन था। नॉर्मलता समीकरण मैंने आपको बताया था, N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3। एक पद अनुमापन बताया था, मानक से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, और द्विपद में हमने देखा था अनुमापन की क्रिया दो बार करी थी। मानक और अज्ञात विलयन जो थे समान प्रकृति के थे, एक हमने ज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल लिया था, एक अज्ञात लिया था। सूचक तीन प्रकार के, आंतरिक, बाह्य और स्वयं सूचक। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, तो आपके मौखिक प्रश्नों की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये आयतनीय विश्लेषण आपने देखा, टाइट्रेशन अनुमापन देखा, इसमें आपको 5 अंक मिलते हैं प्रायोगिक कार्य में, और सैद्धांतिक में भी आप जो ऑक्सीकारक अपचायक उपयोग में लाते हो डी और एस ब्लॉक के तत्वों में, उनकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप अगली कक्षा में इससे पूछ सकते हो, और आप अच्छे से अब इसकी तैयारी कर लीजिए, और फिर अगर कोई समस्या है तो अगली कक्षा में आकर आप इसे पूछ लीजिए, या भी कोई समस्या है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या है तो पूछिए बच्चों, जो आज आपने पढ़ा उसमें अगर कुछ समस्या आ रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछिए, और फिर घर जाकर आप पूरी इसकी तैयारी कीजिए, और जब नहीं अगर कुछ समझ में आए तो अगली कक्षा में भी आप इसे पूछ सकते हैं।